नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। कांग्रेस का विधानसभा घेराव। विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी में सड़क पर उतरी कांग्रेस। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। संविधान बचाओ का किया संकल्प, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बाजी लाठियां। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप, भाजपा की सरकार में आदिवासी समाज पर हो रहा है अत्याचार। आदिवासी किसानों और मजदूरों की लड़ाई में विश्वास करती है कांग्रेस। कांग्रेस उठाती रहेगी गरीबों और कमजोर लोगों की आवाज। भाजपा कभी नहीं कर सकती दलित या आदिवासी समाज का हित। भाजपा के लोग कभी आदिवासी समाज को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे। बैठे हुए कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, आज 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है, पावन दिन है। अगर 9 अगस्त का ब्यूगल नहीं बजा होता तो आज यहाँ हम बैठे हुए अपने संविधान की बात नहीं कर पाते। ऐतिहासिक दिन है, आज ही सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की गठन की घोषणा करी थी। इस प्रकार हमारे सभी स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो लगे थे, जिन्होंने आवाज उठाई थी, जिन्होंने संघर्ष किया था, उस समय इनका विरोध कौन कर रहा था, अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। मोदी जी बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं जो आपके पार्टी के कभी सदस्य रहे हुए? एक सदस्य नहीं है। और ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं। सावरकर जी ने तो खुल के सपोर्ट किया था, आपने नितिन राउत जी की बात सुनी, ये वहीं से आते हैं जहां का हेडक्वार्टर है। और सालों से कुछ दिन पहले मुझे मिले थे, मैं तो ये कह रहा था कि सालों से जो आरएसएस हेडक्वार्टर की विधानसभा है उसमें तो कांग्रेस का ही विधायक चुन के आता था। ये इनके हेडक्वार्टर था हमारे सतीश चतुर्वेदी। आजादी संघर्ष और कुर्बानी से प्राप्त हुई। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान केवल अपने देश को ही नहीं दिया, पूरे विश्व को दिया। ये मैं जानता हूं, मैंने कई जगह ये बात कही है कि अफ्रीका के कई देशों ने हमारे संविधान से बहुत कुछ सीखा।